हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में शटलर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस पूरे हादसे की जांच रेलवे के सीनियर डीएसओ करेंगे। आपको बता दें कि देर रात बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन स्टॉपर से जा टकराया। दरअसल ट्रेन जब बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची तो यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन के इंजन को कोच से अलग किया जा रहा था। इसके बाद इंजन स्टॉपर से जा टकराया और स्टॉपर टूट गया। हालांकि कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा हादसा यहां पर जरूर टल गया। तो सीनियर डीआरओ इस हादसे की जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और सिग्नल तोड़कर यह आगे बढ़ गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मामले में शटलर को सस्पेंड कर दिया गया है। रोशन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोशन, कैसे यह हादसा हुआ और क्या नुकसान की खबर है इसमें? देखिए, कल देर शाम की एक पूरी घटना है जहां छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का जो इंजन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दौरान जो है शंटर का जो काम है वो किया जा रहा था। इस दौरान जो प्लेटफॉर्म पर जो है इंजन जाके टकरा जाता है और हादसा इतना भीषण था कि जो प्लेटफॉर्म का जो डेड एंड था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके जो टाइल्स हैं वो पूरी तरीके से उखड़ गए हैं और घटना को देखने से यही प्रतीत होता है कि जिस तेजी से इंजन टकराया था, एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया था। क्योंकि 7 और 8 प्लेटफॉर्म में जो है वो भीड़ यात्रियों की रहती है, ऐसे में जो हादसा था उसकी वजह से जो है प्लेटफॉर्म के साथ जो इंजन दोनों जो है वो क्षतिग्रस्त हुए थे। पूरे मामले में जो है रेलवे ने इसमें जांच टीम गठित की है, जो सीनियर डीएसओ जो है इस पूरे मामले की जांच करेंगे और प्रथम दृष्टया जो शटलर है उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है हादसे के मद्देनजर। फिलहाल जो जांच टीम में जो 3 सदस्य रहेंगे जो पूरे मामले की जांच करेंगे और शटलर का जो है वो मेडिकल भी कराया जाएगा कि आखिर हादसे के पीछे और क्या कुछ वजह हो सकती है, आखिर हादसा क्यों हुआ। पूरी जो है इसकी जांच जो है सीनियर डीएसओ के निगरानी में जो है ये पूरी जांच होगी और उसके बाद जो है और इसमें जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कल जो बड़ी घटना निकलकर प्लेटफॉर्म में सामने आई थी वो कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जो है वो इंजन टकना एक बड़ी घटना है। फिलहाल मामले में जो है वो सीनियर डीएसओ जो पूरे मामले की जो है वो जांच करेंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अब देखना यही है कि आखिरकार क्या इसमें लापरवाही रही जिसकी